नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, नीरज राय ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम अपने घर पे हैं और हमने एक नई क्यारी बनाई थी, और ये वाली नई क्यारी थी। और इस क्यारी में मैंने आपको बताया था कि जो है इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बताऊँगा। और अभी आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये वाली क्यारी हम लोगों ने जब बनाया था तो उसका सारा जो वीडियो है उसका 4 पार्ट है, हमने अपलोड कर दिया है उसका टाइम लैप्स। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे कैसे ये वाली क्यारी बनी है। ये जो बहुत सारे पेड़ जो है लगाए गए हैं, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हमने लगाए थे, पेड़ नहीं एक्चुअली ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसमें कुछ बड़े पौधे भी हैं। और आगे जो यहाँ पे गमला रखा हुआ था इस साइड में, उसको हमने इस साइड में कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये अभी गुलाब का पौधा देख रहे हैं, इसमें देखो बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं। ये अब आप अगर चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि ये कैसे हो सका है, क्योंकि आज से पहले हम लोग गमले जितने भी लगाते थे उसमें पौधे उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इस बार हमने इसमें कुछ खाद डाली है, कुछ अलग सी चीज़ें, मतलब जैविक खाद है। आप कहोगे तो उसका वीडियो बनाऊंगा कि क्या हमने इसमें डाला है और क्यों इतने अच्छे गुलाब के पौधे और दूसरे गमलों में जो है जो पौधे हैं वो इतने अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम अपनी नई वाली क्यारी, तो बैग से हम आपको दिखा सकते हैं हमने कौन कौन सा पेड़ लगाया हुआ है, कौन कौन सा प्लांट लगाया हुआ है। तो देखो सबका नाम तो नहीं पता है, और इस बार हमने ग्रासेस लगाई हैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिली नहीं थी मेरे मार्केट में, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी ग्रास लगाई है। और इसी ग्रास से हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रास बना लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो मान लो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन आगे आगे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम लोग इसी से उगा लेंगे ग्रास। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा पौधा है। देखिए ये वाला जो पौधा है इसको हम बोलते हैं एरिका बाम। मुझे सारे पौधे के नाम नहीं पता, मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी जिसका पता है मैं आपको बताऊंगा। ये है एरिका पाम, बहुत अच्छा लगता है। और एरिका पाम, और देखो ये नीचे पहले से इसमें रजनीगंधा था जो उगा हुआ है, रजनीगंधा हमने बहुत सारा लगाया है। और ये दूब घास है, दूब घास बोला चटाई वाली घास है, लेकिन पता नहीं अभी तो हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है किस चीज़ की है। उसके बाद ये है मनोकामिनी, इसको बहुत सारे लोग मधुकामिनी भी बोलते हैं, ये वाला पौधा, ठीक है। और अच्छा इसका फूल होता है, मतलब जब ये बड़ा हो जाता है तो एक ही साथ में गुच्छे में इसका फूल खिलता है। और एक पौधा ये वाला है, इस पौधे का नाम नहीं पता, उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा सा होगा, नाम तो मुझे नहीं पता। और ये प्लांट देखिएगा, ये पौधा देखिएगा, ये जो पौधा है मोरपंखी के उस फैमिली का है, मोरपंखी मतलब थूजा प्लांट की फैमिली का है, लेकिन ये मोरपंखी नहीं है, शायद जूनिपर या ऐसा कुछ इसका नाम है। इधर सुदर्शन नॉर्मल सा प्लांट है, और ये पिंक हिबिस्कस है, पिंक गुड़हल है, गुलाबी गुड़हल है। उसके बाद ये एक पौधा है, इस पौधे को देखिएगा, इसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये पौधा हमने लगाया हुआ है, और साइंसी के साथ में एक पौधा और यहाँ पे है, इसका नाम है गंधराज, इसकी ज़्यादा मात्रा हमारे यहाँ इस समय है। और ये वाला पौधा देखिएगा, ये गार्डन क्रोटन है लेकिन सूख चुका है, इस वजह से सूख गया क्योंकि इसको लगाते वक्त हुआ कि जब हम लोग इसको गमले से अलग कर रहे थे, जो इसकी इसका पहले वाला गमला था, तो ये उस इसकी मिट्टी टूट गई थी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा सूखा है, तो बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का। उसके बाद ये वाला पौधा देखिएगा, ये है एक फाइकस का पौधा, फाइकस ही बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसे वीपिंग फिग भी बोलते हैं। और ये गोल्डन कुछ इसकी पत्तियां हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ा होकर पेड़ हो जाएगा। इधर रजनीगंधा है, और ये फूल सूख गया अभी, इसको इसकी तो कोई बात नहीं। देखिए ये भी सूख रहा है, वजह है कि थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम लोगों ने लगाया है, इसी वजह से पौधे की पत्तियाँ थोड़ी सी झुलस गई हैं। और दूसरी बात, इधर हमने खाद डाला था पौधों में और वो सब लुढ़क के पानी के साथ में इधर आ गया, जिसकी वजह से जिसमें ज़्यादा खाद हमें लगता है लग गई है, जिसकी वजह से देखिएगा इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सूख गई है, लेकिन ये सही हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं मिनी चमेली, और मिनी चमेली के बाद अब इधर आते हैं ये वाला पौधा, मुझे बहुत अच्छा लगता है रुकेरिया, ये पौधा जो है बहुत अच्छा लगता है और बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है, इसको हम अरुकेरिया बोलते हैं। फिर इधर गंधराज बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास में, अभी दिखाएंगे और भी है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सा महकता है, और इसका फूल बहुत बड़ा सा होता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर से यहाँ पे एक जो है गार्डन क्रोटन लगाया गया था, और यहाँ फिर से एक एरिका पाम लगाया गया है, एरिका पाम जो कि बहुत अच्छा होता है, और ये आगे बढ़ कर के जब बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक जोरा का प्लांट है, एक जोरा का, ये चाइनीज़ एक जोरा है एक्चुअली,
ठीक है, उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन ठीक है, लगा हुआ है। उधर कुछ ऐसे ही प्लांट्स लगा दिए गए हैं, वो टंग ऑफ मदर इन ला है, कहने का मतलब स्नेक प्लांट है। इधर हमने बहुत सारे स्नेक प्लांट लगाए हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा पता लगता है वो ये है, ठीक है, ये प्लांट मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके फ्लावर्स, इसको बोलते हैं कि बोनसाई बना लेंगे, इसका नाम शायद तारामढ़ी है। इसका नाम जो है ना देसी भाषा में इसको तारामढ़ी बोलते हैं, वजह इसका फ्लावर है। ठीक है, इसका फ्लावर आप देखिए ध्यान से, कितने अच्छे फ्लावर्स इसके दिखते हैं और इतने मतलब बहुत सुकून सा मिलता है इसको देख करके। ठीक है, और इसका और दूसरा क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको तारामढ़ी बोलते हैं। ये बड़ा हो जाएगा झाड़ीनुमा, इसकी बोनसाई भी बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक सकुलेंट प्लांट हमने इसे लगा दिया क्योंकि ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था। बाकी ये ग्रासेस हैं, ग्रासेस आप देख लीजिएगा। ये चीज़ तो हो गई, हमने आपको बता दिया सारे प्लांट्स के बारे में, ऐसे बता क्या दिया, दिखा दिया, दिखाना था मुझे, बताना नहीं था, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। अभी हम लोग गमले के जो पॉट के जो प्लांट हैं, पहले हमने देखा था लेकिन अब की बार कुछ बदला गया है, कुछ नया पौधा लगाया गया है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। तो ये अरुकेरिया था, हमने 4 अरुकेरिया लगाया है। और ये वाला प्लांट देखिएगा, इसे हम बोलते हैं चाइनीज़ बरगद, ठीक है, चाइनीज़ वटवृक्ष है ये। इसे माइकोकार्पा बोलते हैं इसको, इसको माइकोकार्पा बोलते हैं। इसकी बोनसाई बनाई जाती है, हमने इसको इस तरह से गमले में लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे अगर मिट्टी देखोगे तो मिट्टी में काई पड़ी हुई है और ये वजह है, और ये जो हमने इसमें खाद मिलाया है उसकी वजह से हुआ है, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। अभी देखिए ये कितना अच्छा सा लग रहा है, ये एक्चुअली हमने बोनसाई तो नहीं बनाया है लेकिन ये पौधा बोनसाई ही रहता है, आप समझ लीजिए, तो मतलब दिखता बहुत अच्छा सा है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा ग्रो किया है एस्प्रेगस ग्रास है एक्चुअली, स्नेक प्लांट पे बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। उसके बाद ये सब मैंने आपको पहले भी दिखाया था। हाँ, ये देखिएगा, ये दो गंधराज का प्लांट है, इसमें कलियाँ इस तरह से निकली हुई हैं और आप देखिए बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, इसमें भी बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं। तो ये सब अगर आप इसमें सही मात्रा में पोषण देते हैं इसको, तब बहुत अच्छी मात्रा में बर्ड्स आएंगी। जैसे ये गुलाब का पौधा देखिए, कभी भी गुलाब का पौधा हमारे यहाँ इतना अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि इसको न्यूट्रिशन दिया गया है जिसकी वजह से ये इतना अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक और इधर कलियाँ, ढेर सारी कलियाँ निकल रही हैं, आप देखिए ध्यान से जो है, ठीक है। अब ये भी देखिए बहुत सारा घना, मतलब बहुत ज़्यादा घना हो रहा है और इसमें भी कलियाँ निकलेंगी। अभी हम लोग इसको काट देंगे और ये जो पुराना फूल है उसको काट देंगे तो वहाँ से नई बर्ड निकलेंगी, लेकिन बहुत नीचे से नहीं काटते हैं। और इधर जो है कुछ प्लांट्स थे जो आपको मैंने पहले दिखाए थे। और फिर ये जो है स्प्रेगस ग्रास है, स्प्रेगस ग्रास अच्छी लगती है देखने में, बहुत बढ़िया लगती है, आप दिख रही होगी, आपको देखें कितनी अच्छी से लग रही है। उसके बाद ये वाला जो पौधा है इसको हम लोग बोलते हैं एडेनियम, ठीक है। ये मुझे लगता है कि जड़ से मतलब ये कटिंग से उगाया गया है, अगर जड़ से उगाया गया होता तो नीचे बोटल बनता, तो बोटल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये शायद कटिंग से उगाया गया है। तो ये सारे प्लांट्स थे हमारे नई क्यारी में, और ग्रास लगाया है मैंने, ग्रास पूरा कर दूंगा अभी, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है ना ग्रास, तो इसको पूरे में कर देंगे तो फ़ायदा अच्छा लगेगा, मतलब देखने में थोड़ा सा, ठीक है। और ये लीची का दिखाया था मैंने आपको, चलो देखते हैं लीची जो है इसमें फल आए हुए हैं, ठीक है, ज़रा सा देखिएगा। वैसे इसके फल बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, ये इस तरह के कुछ फल हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और खाने में भी सुंदर ही होते हैं, इसलिए खाने में टेस्टी होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। बोलो तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो था, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।